एक बात का खास ध्यान रख, जितना कहा है उतना ही करना। अगर उसे ज्यादा चोट आई ना तो मैं तुझे ठिकाने लगा दूंगा। जसलीन ये क्या कर रही हो? आपने इस तरह मुझसे शादी की है? अरे कुछ जरूरी काम है भाई। अगर इतना काम है ना तो जीत को क्यों नहीं बोलते? जीत? अब बेचारा जीत कैसे आएगा? अरे उसे बॉक्सिंग में अपना करियर बनाना है भाई, इतनी मेहनत कर रहा है, अब उसका ध्यान डाइवर्ट करना भी तो अच्छी बात नहीं है ना। इसकी उसकी सबकी फिक्र है आपको, मेरे बारे में आप सोचते ही नहीं। पता है आपको मैं कब से बाहर नहीं गई घूमने? अरे यार अभी उसी दिन तो गए थे। उस दिन को पूरे 3 महीने हो गए और मुझे बाहर लेकर भी कहां गए थे? नीचे वाली गली में छज्जू की दुकान पे, वो भी गोलगप्पे खाने। ओके ओके ओके, इस बार तुम्हें कहीं और लेकर चलूंगा पक्का। कहां चलेंगे? प्लीज मुझे बताओ ना कहां चलेंगे। सात समुंदर पार, यूएसए। क्या सच्ची? हाँ भाई, यूएसए लेके जाने वाला था तुम्हें, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुम्हें इतना रेस्टलेस देखकर मुझे अभी बताना पड़ा। कहां आप मुझे पीछे गली तक ले जाते थे और अब सात समुंदर पार। एक मिनट, कहीं आप अपने ऑफिस के काम के लिए तो नहीं जा रहे? अरे जसलीन एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस है, सुबह 10 बजे शुरू होगी, शाम को 5 बजे खत्म, पूरी शाम हमारे पास होगी, पूरा यूएसए घुमा दूंगा मैं तुम्हें। पड़े आए मुझे घुमाने वाले, ऑफिस के काम के लिए जा रहे हो और मुझे कह रहे हो मुझे घुमाने ले जा रहे हो? अरे मेरी बात तो सुनो यार। मुझे कोई बात नहीं सुनी। ओए अंधा है क्या? ओ मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी, कहाँ देख के चलते हो तुम यार? सॉरी पापा जी। क्या सॉरी, इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखती, ऐसे आ जाते हो बीच में। अरे ये तो वही कार है। कहीं ये कूदने वाली तो नहीं? ओ हेलो मैडम, मैडम नीचे आइए। मैडम
नीचे आइए। कहाँ गई यार, कहीं कूद तो नहीं गई? मैडम, हेलो, 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 ये तो कूद गई। हेलो मैडम, हेलो मैडम, हेलो मैडम, मैं आपसे बात कर रहा हूं। कमाल की औरत है आप। अभी आपको मैंने वहां देखा और अब आप, आई थॉट आप नीचे, आप सुन रही हैं? हेलो, कब से आपके पीछे वहां पे वाला? मैं कब से आपके पीछे? साया भी हमारे पीछे नहीं चलता, फिर आप क्यों हमारा पीछा कर रहे हैं? वो मैं, मैंने आपको वहां देखा और फिर अचानक आप। इंसान को नजर अपने रास्ते पर रखनी चाहिए, किसी अजनबी के कदमों पर नहीं। चलता हूँ। क्यों पुत्र, बलराज जी जा रहा है तेरे साथ ऑफिस? वो तो गया ना, सुबह ही चला गया था। हमारे नए पेट्रोल पंप की साइट पे जाना था उसने। साइट पे जाना था या सनराइज देखने जाना था? बेचारे को सवेरे सवेरे उठा के भेज दिया, नाश्ता भी नहीं करके गया होगा। बच्चा नहीं है, बच्चे का बाप हो गया, वो कर लेगा नाश्ता बाहर। चलता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं पापा। कुछ नहीं हुआ? लंगड़ा के चल रहा, बोल रहा कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? क्या वो
पापा। क्या हुआ बेटा, क्यों लंगड़ा रहा है? क्या हुआ? दिखा मुझे क्या हुआ है, दिखा। क्या हो गया पुत्र? कुछ नहीं बेबे, ठीक हो जाऊंगा। पर हुआ क्या बोल तू? वो सुबह जॉगिंग कर रहा था ना, तो अचानक बहुत पास से कार निकली, बस उसी से बचने के चक्कर में फिसल गया। तू ऐसी कौन सी जगह दौड़ रहा था पुत्र जो तुझे गाड़ी नजर नहीं आई? बेबे सब कुछ इतना अचानक हो गया, पता ही नहीं चला। दिन में भी बॉक्सिंग के सपने देखता रहता, कुछ और दिखाई कहां से देगा इसे। ओए प्रताप, तुझे ऑफिस जाना है ना, तू जा, हम संभाल लेंगे पुत्र। चलो चलो आराम से, आजा आजा आराम से, चलो आराम से। कितनी बार बोला है जीत कि हर काम आराम से किया कर, लेकिन ये लड़का है कि सुनता ही नहीं है। दिखा मुझे, बोझ, बोझ, बोझ। दिखा। लगता है मोह चाहिए। बेबे 2-3 दिन लगेंगे ठीक होने में। अरे कभी तो शुभ शुभ बोला कर, कल मैच है उसका। बेबे मैं तो जा जाके ना जल्दी से बाम ले क्या, जा। जी बेबे। क्या कर रहे हो आप लोग? ये अपना इलाज बंद करो और डॉक्टर को बुलाओ। ध्यान रखो पुत्र, बहुत दर्द हो रहा है ना, फिर तो कल मैच की में खेलेगा। खेल लूंगा बेबे, आप बिल्कुल चिंता मत करो, सुबह तक बिल्कुल फिट हो जाऊंगा। अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं। हाँ ठीक है, आराम से आराम से आराम से आराम से। तू ऊपर चल, मैं हल्दी वाला दूध भेजती हूँ। नो प्लीज, हल्दी वाला दूध, मलाई वाला दूध, ठंडा दूध, गर्म दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, मुझे कोई दूध नहीं पसंद। प्लीज आई विल बी ऑल राइट। यू गाइस चिल। सीढ़ियां हैं, आराम से जाना। ये चोट भी मैच से पहले ही लगनी थी। जीत जीत मर गया जीत। क्या हुआ है तुझे, पैर तोड़वा के आया अपना? टूटा नहीं है, थोड़ी सी मोच आई है। कहाँ? इधर दिखा। फट्टड़ों के आ जाते हैं हर रोज। और ये मोच कैसे आई? ध्यान कहाँ था तेरा? किस लड़की की तरफ देख रहा था जो तू फिसल गया? तू मुझे डांटने आई है या बाम लगाने आई है? चल चुपचाप बाम लगा। मम्मी आई? मम्मी याद? नानी याद नहीं आई? बहुत दर्द हो रहा है रानो। ज्यादा दर्द हो रहा है? तो फिर तू मैच कैसे खेलेगा? बॉक्सिंग तो हाथों से होती है। खड़ा तो टांगों पे ही होना है ना, कुर्सी पे बैठ के मैच थोड़ी ना खेलेगा। और इतने दर्द में मैच वैच नहीं खेला जाना तुझसे। ये दर्द इतना बड़ा नहीं है रानो, जितना बड़ा ये मौका है। ये मौका मैं मिस नहीं कर सकता। मैच तो मैं जरूर खेलूंगा और जीत के रहूंगा। हाँ जी सर। जी जी ठीक है सर, आई एम कमिंग। आई एम कमिंग? कहाँ जा रहे तू? क्रांति सर का फोन आया, कल के मैच के लिए कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस देने वाले हैं। गाइडलाइंस? अब कोई गाइडलाइन वाइडलाइन नहीं चाहिए। जीत तू कहीं नहीं जा रहा है, बैठ जा चुपचाप यहाँ पे। जाना जरूरी है यार। जीत मैं कह रही हूँ तू कहीं नहीं जा रहा है, कोई मैच मैच नहीं खेलना यार। अच्छा मैच नहीं खेलना, तेरा दिमाग तो सही है। मैं कह रही हूँ तू कहीं नहीं जा रहा है। मैंने बोल दिया ना मैं जा रहा हूँ। चल ठीक है, मैं भी देख लेती हूँ तू यहाँ से कैसे जाता है। ओए रानो मेरी बात सुन, रानो इधर आ। ओए रानो बात सुन। बेबे बेबे मेरी नहीं सुन रहा है वो, आप समझाओ उसको। कौन नहीं सुन रहा है पुत्र, आराम से बता। आराम से मैं क्या बताऊं बेबे, आराम तो उसको करना चाहिए ना। मोच पैर में आई है और दिमाग भी खराब हो गया उसका, कह रहा है मैच खेलने जाएगा। ओए मैच तो कल है ना उसका। हाँ बेबे, पर कल तक थोड़ी ना ठीक हो जाएगा, और उसको अभी जाने की पड़ी है वो एकेडमी, कोई टिप्स लेनी है उसको। अभी अभी कैसे जा सकता है वो? वही तो मैं कह रही हूँ बेबे। चलो ना बेबे, आप ही समझाओ उसको प्लीज। ओए होए
ध्यान से, पता लगे मेरी पैर में मोच आ गई। प्लीज बेबी। चल चल चल। तेरी बेबे आ गई तो जा चुका मैं एकेडमी। क्या करूं क्या करूं। अब देख लेना प्रताप को ना, क्या है कि ना मैंने वो सीढ़ियां लगवानी है, वो जो चलती रहती है ना, माल में भी लगी होती है। ठीक है वो वाली लगवा दूंगी बस। अगर वो चला गया ना तो मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। बेबे ये ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया तो ठीक है, फिर तू उसकी शक्ल मत देख। बेबे ये और भी ज्यादा हो गया। अब मेरी प्यारी बेबे आप प्लीज बस उसे जाने से रोक लो। दैट्स इट। ओके लेट मी टॉक। चल ना फिर निकल जाएगा वो। चल खड़ी है जीत। वो जान ही नहीं दे रहा, ऐसे थोड़ी चला जाएगा। ओए जीत 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 बात सुन। जीत बात सुन। जीत ओए जीत नहीं है बेबे। ले बेबे कहीं भाग तो नहीं गया। ओए रानो भाग। जीत बेबी जीत भाग रहा है। ओए जीत क्या कर रहे तू। ओए जीत ओए भाग गया बेबी। भगा दिया हमें भगा दिया मेरे को। सांस देख मैं कैसे चढ़ गई। ओए 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 तू फिक्र ना कर, ऑन दे उसको मैं देखती हूँ। चल चल ना खड़ी खड़ी क्या देख रही है। अच्छा अच्छा सही है यार मिकी, आज तेरा प्लान काम कर गया। आज तो जीत भी नहीं आया प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस की छोड़, उसकी तो मैंने वो हालत की है कि अब वो मैच खेलने भी नहीं आएगा। That's Mickey. अब अगर कोई स्टेट लेवल चैंपियनशिप खेलेगा तो सिर्फ और सिर्फ मिकी। वो तो आ गया यार। से मैं बाद में फोन करता हूँ। सॉरी सर मैं लेट तो नहीं हो गया। अरे नहीं नहीं भाई कहाँ लेट हो गया, टाइम पे है तू। चल चल चेंज कर और रिंग में आ जा। चल अरे जीत रुक रुक, ये तेरे पाँव को क्या हो गया। कुछ नहीं सर, वो थोड़ा सा फिसल गया था बट आई एम फाइन। काहे का फाइन, एक कदम चल नहीं पाया तू। आई एम फाइन। देख बच्चे एक खिलाड़ी को अपना इंजरी नहीं छुपाना चाहिए। आई नो सर पर मैं ये मैच मिस नहीं करना चाहता। सवाल मैच का नहीं है पुत्र, सवाल तेरे जिंदगी भर के करियर का है। चलो मान लो ये मैच तो जीत भी गया और भगवान ना करे अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो जिंदगी भर के लिए करियर खत्म। लेकिन सर जिद मत कर, मेरे साथ चल। मैं तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट से भी लाना चाहता हूँ, जो उसने एडवाइस दी वो माननी पड़ेगी। ठीक है चल चल शाबाश शाबाश। माँ आप सब लोग मुझे घर से निकालने के चक्कर में क्यों हो। माँ आप वापस आ जाओ फिर बात करते। माँ अभी मैं बिजी हूँ, मुझे जीत से भी बात करनी है। ठीक है ओके बाय। उठा ले फोन। हो गई बात। बेबी 20 बार फोन मिला दिया है, फोन ही नहीं उठा रहा है। ओहो पुत्र मैं जीत के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, तेरी माँ के बारे में बात कर रही हूँ। उसी से बात कर रही थी ना। ओ हाँ माँ का भी फोन आया था। ये जीत हर वक्त तेरे दिमाग में घूमता रहता है। तो और क्या चलेगा मेरे दिमाग में बेबी, खुद से तो जीत से चला नहीं जा रहा है। प्रैक्टिस करनी है, मैच खेलना है। मैं बोल रही हूँ कल अगर उसने मैच खेला ना तो। ओहो कल की बात याद आया, कल सवेरे का तेरा क्या प्रोग्राम है। कल कोई प्रोग्राम नहीं है। वेरी गुड, तो फिर हम दोनों ना मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं। मॉर्निंग वॉक ठीक है ठीक है।
कल अच्छी तरह तैयार होके आना, लिपस्टिक पाउडर वाउडर लगा के, ठीक है? बेबी मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, रैंप वॉक पे नहीं। हाँ तो मॉर्निंग वॉक तो मुझे करनी है, तुझे तो टॉक करनी है। टॉक किससे? मनीष से। मेरी एक सहेली है फ्रेंड बुक पे, मिसेस खुराना, उसका पुत्र है मनीष। तो मैं क्या करूँ बेबे? ओए तुझे शादी करनी है ना, प्रताप को हाँ कही थी ना तूने? बेबे देख ये जो प्रताप है ना, वड्डे करो के ना बोरिंग लड़कों की फोटो तेरे सामने ला के रख देगा। मैं तो आज की जनरेशन को समझती हूँ, इसीलिए मैंने तेरे लिए मनीष को चुना है। देख वो रोज आते हैं जॉगिंग करने। बेबे पर इतनी इतनी जल्दी क्या है बेबे? अरे तो ठीक है ना, मॉर्निंग वॉक कैंसिल करके इवनिंग वॉक रख लेते हैं। मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब है कि बेबे मुझे ना क्या? एक्चुअली ना और से प्यार करती है तू? नहीं, जब कोई लाइफ में है ही नहीं तो फिर टेंशन किस बात की है। ठीक है मैं सुबह आ जाऊंगी तेरे को लेने के लिए, तैयार रहना मेकअप वगैरह सब करके, और जब बात पक्की हो जाएगी ना तो सबसे पहले ये बात जीत को बताना, वो पागल तो पागल हो जाएगा ये खुशखबरी सुन के। जीत सब तो बैठ 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 उधर बैठ तो ठीक है सर। ठीक है कहीं डॉक्टर साहब क्या पोजीशन है? फ्रैक्चर तो नहीं है लेकिन चोट काफी गहरी है, इसे ठीक होने के लिए कम से कम 6-7 दिन चाहिए होंगे, और इसलिए तुम कल का मैच भी नहीं खेल सकते जीत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.